देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ है, यहाँ पे कुछ लिखा है बॉल ऑफ हम्बल हबल फायर प्लेस। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कृष्णा भगवान जो था मतलब ऐसे ही आग तापा करते थे, और ये कृष्णा भगवान का जो मटकी फुटाया वाला ऐसा कुछ मतलब सब कुछ रेयर होता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ वहाँ पे ट्रेडिशनल किचन। कुछ भी सामान अगर मिलता है आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ही मतलब ज़्यादा रेयर होता है वो चीज़, या फिर कुछ ज़्यादा कुछ कीमती सामान होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ ये है कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या है, इवोरी सैंडल, मतलब जो इवोरी का वो है, मतलब आप लोग को टोटली रियल लगेगा, टोटली रियल भाई, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लग रहा, मतलब सी देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ रियल भाई, इतना मतलब इतना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि मतलब म्यूजियम के अंदर है भाई, मतलब इतना कुछ मिला हम लोग को भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब मानो गजब हो गया भाई, बहुत कुछ। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर आप लोगों को तो आना पड़ेगा एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। सो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा जरूर। सो भाई हम लोग यहाँ पे जो आसाम का जो मतलब ज़्यादा मतलब फोटो वीडियो जो भी जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर ये आई लव गुवाहाटी का दिखाई देता है, तो भाई यहाँ पे हम लोग विजिट कर लिया है फोटो वोटो लेने के लिए, है ना भैया, कैसा लगा जगह। सो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी का जो चोर बाजार है वहाँ पे विजिट कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी कपड़ा मिल रहा है सब यहाँ पे 100 का नीचे मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे, अगर गुवाहाटी का अगर आप लोगों को विजिट बता तो ये जगह है। कर दो भाई। सो भाई हमारा जोमेटो डिलीवरी बॉय है, स्टार्ट कर देना। यो भाई का बात सुन लो। हाँ सुन लो। सो भाई रात को हम लोग बरपेटा रोड पे तो आ चुके हैं, मतलब रात का बरपेटा रोड का सीन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह होता भाई। यहाँ पे मंदिर भी है बड़ा बड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पे दिन पे आएंगे हम लोग आज। हम लोग तो भाई ऐसा है कि भाई मतलब गर्मी बहुत ज्यादा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा सुना था कि आज फ्राइडे है जो कि हम लोग का जो जू होता है वो बंद हो चुका है, तो भाई ये कि जू बंद है ना आज, तो भाई बहुत ही ज्यादा बैड लक, मतलब बैड लक से भी ज्यादा बैड लक, क्योंकि जिसके लिए आए थे वही बंद है, तो भाई समझ सकते हैं आप लोग क्या होता है। तो भाई इसीलिए हम लोग बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, जो गुवाहाटी आया उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अभी म्यूजियम, ठीक है। सो हम लोग को अंकल मिल के यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं जू में, और जू यार म्यूजियम जा रहे हैं, तो भाई म्यूजियम का अभी म्यूजियम दिखेगा जू बंदे भाषा, क्योंकि फ्राइडे बंद होता है और कल खुला रहेगा शायद बोल रहा है, तो भाई ऐसा है कि आप जो जो खुला है तो वहीं पे जाएंगे, तो साइंस म्यूजियम है तो भाई म्यूजियम में जाएंगे आज भाई, म्यूजियम पे धमाका मचाने वाले आज, ठीक है। तो भाई देखते हैं भाई ऐसा है कि हम लोग भाई वीडियो तो हम लोग धमाकेदार बनाते हैं भाई, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई एपिसोड हिसाब से बनेगा, क्योंकि इसमें आधा आ सकता है अगला में आधा आ सकता है, मैं आगे बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ऐसा मुझे पता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है मेरे को लग रहा है, इसीलिए भाई आधा आधा करके देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जगह है घूमने के लिए, हम लोग बहुत घूमेंगे, इसलिए भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मेरा जो सेकंड एपिसोड आए वो भी आप मिस ना करें, और आप लोगों को वीडियो भी पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा पता चल जाएगा हम लोग ने एक दिन में कितना टूर किया है मतलब गुवाहाटी का, ठीक है। सो फाइनली गाइस म्यूजियम आ चुका है, तो भाई अभी थोड़ी देर पे हम लोग म्यूजियम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अभी एंट्री करेंगे तो देखते हैं भाई एंट्री हम लोग को फ़ोन अलाउड करता है कि नहीं अंदर में, मेरे को पता नहीं भाई, ठीक है। सो देखते हैं म्यूजियम के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो थोड़ा बहुत जितना भी होगा हम लोग शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे जो गुवाहाटी में जो म्यूजियम है बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, ठीक है। तो आज जू जाने का इरादा था, पर जू बंदे क्या करे यार, भाई का बैड लग गया, कोई बात नहीं अभी देखते हैं क्या होता है। फाइनली एंट्री हो चुका है तो म्यूजियम पे भाई अंदर फोन अलाउड है कि नहीं पता नहीं भाई, हम लोग आ चुके हैं व्लॉगिंग पे चैनल पे, तो भाई मेरे लग रहा है कि यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, फिर कोई बात नहीं चलो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है हम लोग का ट्रेडिशनल घर का बाड़ी में जो है ट्रेडिशनल हाउस जो आसाम का मतलब जाना माना घर है वो बनाया हुआ है वहाँ पे अंदर पे, तो हम लोग अंदर पे आके वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे घर लोग जो है मतलब बेड में कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बेडरूम यहाँ पे जो कुछ भी है मतलब ट्रेडिशनल सब कुछ ट्रेडिशनल, देखो भाई लैंप लोग लगा हुआ है, तो मतलब समझ सकते हैं कितना पुराना मतलब डिजाइन बना हुआ है, हर चीज़ पे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नाम लगा हुआ है कि क्या चीज़। तो भाई ये सब जो है मेरे का मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर नहीं है, ठीक है, ये म्यूजियम ऐसा कुछ है कि यहाँ पे कुछ भी सामान अगर मिलता है आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ही मतलब ज़्यादा रेयर होता है वो चीज़, या फिर कुछ ज़्यादा कुछ कीमती सामान होता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि छोटा मोटा घर है, यूज़ करना नहीं है फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कृष्णा भगवान का पेंटिंग मेरा हिसाब से शायद से ये सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ है, यहाँ पे कुछ लिखा है बॉल ऑफ हम्बल हबल फायर प्लेस। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कृष्णा भगवान जो था मतलब ऐसे ही आग तापा करते थे, और ये कृष्णा भगवान का जो मटकी फुटाया वाला ऐसा कुछ मतलब सब कुछ रेयर होता है, आप लोग देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ वहाँ पे ट्रेडिशनल किचन। सो भाई वापस ही हम लोग फ्लाइट पे सॉरी लिफ्ट पे भाई वापस हम लोग लिफ्ट पे आ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अभी म्यूजियम के अंदर है भाई, मतलब इतना कुछ मिला हम लोग को भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब मानो गजब हो गया भाई, बहुत कुछ। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर आप लोगों को तो आना पड़ेगा एकदम बिल्कुल, ठीक है ना।
सो आप लोग अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा जरूर। म्यूजियम ये गुवाहाटी पे स्थित है। और आप लोग को बता दूं कि ये जो भी मतलब यहाँ पे कुछ भी सामान मिलता है सब कीमती सामान होगा, ठीक है। यहाँ पे हाथ लगाने के अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोगों को तो बिल्कुल बोल रहा था कि फोन अलाउड ही नहीं है, तो हम लोगों ने छुप छुप के कर रहे हैं। हम लोग को डर भी लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ठीक है। आसाम का जो पुराना पुराना ट्रेडिशनल सामान लोग सारा सारा का सारा यही है, ठीक है। सो भाई छुप छुप के हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सब्सक्राइब कर दो यार इसी बात पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। सो गाइस यहाँ पे जो भी अभी हम लोग को बोल रहा था कि हम लोग यहाँ फोन अलाउड नहीं, वो ये देख सकते हैं जो कि आप लोग यहाँ पे जो साइंस म्यूजियम का ये जो है ना, ये बहुत मजेदार है। क्योंकि यहाँ पे जो अखोम मतलब नीचे का जो देख सकते हैं वो आसाम का कुछ साइज से कुछ है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर सामान दिखा रहा है, जो कि एक टीचर स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रहा है शायद, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसको आप लोग मतलब बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मतलब आसाम का कुछ भी जो होता है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रेयर सामान है। सो आप लोगों को नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ ये है कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या है, इवोरी सैंडल, मतलब जो इवोरी का वो है मतलब। तो दूसरा जो यहाँ पे जो कृष्णा भगवान का आप लोग मूर्ति देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब बताया जा रहा है अपने शिष्यों लोग को। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक बंदर टाइप का मतलब कुछ है, भालू टाइप का या फिर बंदर टाइप का कुछ है। सो भाई यहाँ पे मूर्ति जो मैंने एकदम 3D होता है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कृष्णा भगवान। सो भाई आगे की तरफ बढ़ते तो आगे की तरफ भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। उसके बाद आगे में जो आप लोगों को दिख रहा है मतलब हाथ इतना सारा और माथा इतना सारा, मतलब ये रावण का है, जो रावणा लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रावणा शायद से ये रावण का मूर्ति बना हुआ है, जो कि काफ़ी डरावना दिखता है और ख़तरनाक दिखता है भाई। सो अगला जो दिखा हो रहा है यहाँ पे जो शीशा के अंदर रखा हुआ है, ये काफ़ी कीमती सामान है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मतलब बाला या फिर कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पे, जो कि काफ़ी मतलब रेयर है। और यहाँ पे बोट है आसाम का कल्चर का। सो भाई म्यूजियम का मुझे यही खास बात लगा है कि ज़्यादातर मतलब जो भी कुछ बना हुआ है मतलब एकदम मतलब रियल लगता है, कि सामने से मतलब वहीं पे हम लोग भी छोटे छोटे इंसान लोग भी सच का ही छोटा छोटा है। और यहाँ पे एक मतलब जो बात कहूँ तो भाई गाछ लोग बहुत ही रियल दिखता है छोटा छोटा वाला। तो भाई लोग समझ सकते हो कि ये मतलब ये जो बनता है छोटा छोटा वाला आदमी लोग जो बनाया हुआ है भाई, मतलब ये बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो भाई जिसने ही बनाया मतलब सैल्यूट। सो भाई जो कि ये हमारा जो मतलब जो हॉर्न मतलब बहुत ही रेयर सामान लोग यार, मतलब आप लोग यहाँ पे बिल्कुल विजिट करिएगा। ये गुवाहाटी का मतलब गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है भाई। आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे विजिट करना चाहिए। अगर आप गुवाहाटी आती हो और यहाँ पे विजिट नहीं करती हो तो भाई मतलब आप लोग गुवाहाटी घुमा ही नहीं मतलब, ठीक है। ये होता है मतलब आसाम का जो ट्रेडिशनल है सब कुछ बताया जा रहा है इसमें, मतलब सब कुछ। आप लोग अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप लोगों को कुछ जानना है, अगर आप लोगों को पता करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल विजिट करना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ जो कि मिस्ट्री रह चुका है हमारा जो इंडियन में, वो सब कुछ यहाँ पे आपको खुलासा मिल जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा रेयर है यहाँ पे सामान, ठीक है। यहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट हम लोगों ने मतलब छुप छुप के कर रहे हैं, ठीक है। और वापस से आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा जो कि मतलब बनाया हुआ है, जो कि चित्रता मतलब क्या बोलूँ, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रियल लगता है। घर लोग देखें यहाँ पे जो मतलब रस्सी से बना हुआ है, मतलब जो ट्रेडिशनल मतलब जो बोलता है बोरो लोग का, आसामीस लोग का, जो गमछा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं भाई, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे एकदम 3D और रियल लग रहा है भाई। भाई अगर ये सच में DSLR या फिर GoPro से शूट किया होता तो भाई आप लोग बोलते ही नहीं कि भाई ये मतलब जो है मतलब मिट्टी का बना हुआ है। आप लोगों को लगता है कि भाई रियल इंसान भाई, आप लोग को टोटली रियल लगेगा, टोटली रियल भाई। यहाँ पे कुछ अलग नहीं लग रहा, मतलब सीन देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ रियल भाई। इतना मतलब इतना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि मतलब देखने वाला भी शौक हो जाएगा भाई। सो भाई हम लोग यहाँ पे जो आसाम का जो मतलब ज़्यादा मतलब फोटो वीडियो जो भी जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर ये आई लव गुवाहाटी का दिखाई देता है, तो भाई यहाँ पे हम लोग विजिट कर लिया है। क्योंकि हम लोग को लगा था कि एक बार यहाँ पे विजिट कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी टिकट ले रहे हैं, 2 टिकट लिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो आप टिकट देख सकते हैं अभी पूरा घूमने वाला। और ये आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर बहुत जाना माना फेमस है। और यहाँ पे जो पार्क है पूरा मतलब, ठीक है। सो हम ज़्यादातर देखते थे रील्स, इसमें सब गांड इधर ही हिलाता था भाई। यही आई लव गुवाहाटी यही वाला है, ठीक है। फाइनली भाई जो हम लोग का यहाँ पे आई लव गुवाहाटी है भाई, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो भैया लोग यहाँ पे फोटो वोटो लेने के लिए है ना भैया, कैसा लगा जगह? जगह अलग है यहाँ का। तो भाई ऐसा है कि अभी हम लोग यहाँ का ये पूरा टोटली पार्क है। और मतलब यही होता है गुवाहाटी आने का फायदा भाई, बहुत ही ज़्यादा मजे करने को मिलता है, ठीक है। ऐसा है कि भाई जगह ही कुछ ऐसा है कि आप लोग को यहाँ पे कभी बोर होगा ही नहीं। तो भाई ये हम लोग का, ठीक है। ओ भाई अलग ही टाइप का सीन, अलग ही टाइप का, अलग लेवल का, अलग ही किस्म का होने वाला है। No God please no no। सो ये कैसे वाला सीट है भाई, इसमें तो घूमना पड़ रहा है भाई। सो गाइस ये राधा गोविंद वर्मा क्या नाम है इसका, राधा गोविंद वर्मा। सो भाई हम लोग का जो आसाम का आन बान सान, हम तो समझ रहा था बिपिन हजारी का है, बट ये तो निकला शाहरुख खान है। हम लोग ये पार्क में घुस के हुआ बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। तो भाई एक बार हम लोग को ज़्यादा ही मजा आ रहा है। सो भाई गुवाहाटी पे आया, कुछ करना तो पड़ेगा ना, घूमेंगे आज साई से आज जू बंद है। तो भाई ऐसा करेंगे कि हम लोग अगर आज यहाँ रह पाते तो कल भी जू जाएंगे भाई। ऐसा है कि भाई जू मतलब
बहुत ही ज्यादा मतलब महत्व रखता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे इतना मजा है कि मतलब हम लोगों ने ये रील्स पे देखा था, कभी विजिट नहीं किया था। तो भाई दिस इज आवर फर्स्ट टाइम्स हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो भाई जाना माना हस्ती आप लोगों का, आई लव गुवाहाटी। क्या कर रहे हैं यार तू? सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पार्क विजिट खत्म कर चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई पार्क में इतना कुछ मजा आ रहा है कि मतलब पार्क में मत सोचिए कि कुछ नहीं है भाई, बहुत कुछ है पार्क में, बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग को। वही भाई भाई सकल, अच्छा सकल क्या भाई।